हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब ये जो टाइम है, लोहड़ी का टाइम, संक्रांत का टाइम, इस टाइम पे रेवड़ी हो, तिल के लड्डू हो, पॉपकॉर्न हो या मुरमुरे लड्डू हो, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ना। तो आपकी मुरमुरे लड्डू की रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, बहुत ईजी है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये लड्डू बनाने के लिए आपको सामान तो बहुत ही कम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 कप लाई लिए हैं या मुरमुरे लिए हैं, साथ में मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है। बेसिकली आपको सिर्फ 3:1 का रेशियो मेंटेन करना है बस। तो जिस कप से आप लाई लेंगे उसी कप से आप गुड़ लेना, तभी सही बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपको मुरमुरों को सूखे में भुनना है। हल्के से करारे होने चाहिए, हल्के से पफ्ड होने चाहिए मुरमुरे सही से, तभी उनका टेस्ट बढ़िया आता है लड्डुओं में। अगर वो गीले गीले होंगे तो स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आता। आपको यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पे लाई को अच्छे से भुनना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, थोड़ा सा ही टाइम लगता है। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि लाई बहुत जल्दी भुन जाती है, तो आप इसको अच्छे से स्टर करते रहना, यानी कि नीचे से बार बार इसको उठाते रहना, ताकि ये ना हो कि नीचे से ज़्यादा भुन जाए और ऊपर से भुने ही ना। थोड़ी देर में आप ये देखोगे कि जो लाई के दाने हैं वो थोड़े से कड़क हो गए हैं। जैसे वो हल्के से ठंडे होंगे तो वो ऐसे टूटने लग जाएंगे, जैसे बिल्कुल कड़क हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही आपको चाहिए। तो हम इसको निकाल लेते हैं अपनी थाली में और हम फटाफट से यहाँ पर गुड़ भून लेते हैं। अब आपने बाजार में कई बार ऐसा देखा होगा कि जो लाई के लड्डू होते हैं उसमें हल्की सी शाइन भी होती है। वो शाइन लाने के लिए यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी डालना बहुत जरूरी है, तभी वो हल्की सी शाइन सी आएगी। उसके साथ साथ अब यहाँ पर गैस आप एकदम लो फ्लेम पे रखना, हाई फ्लेम पे यहाँ पर मत पकाना बस। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा क्रश करके गुड़ डाला है ताकि वो फटाफट से पिघलना शुरू हो जाए और बिल्कुल इवन कुकिंग हो। अगर आप एकदम खड़ा खड़ा गुड़ डाल दोगे तो उसको पिघलने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि गुड़ अभी भी खड़ा खड़ा है क्रश करने के बाद भी, तो आप उसको ऐसे काट सकते हो जैसे ही वो थोड़ा सा पिघलना शुरू हो जाए। तो थोड़ी देर में आप इसको बस स्टर करते रहना और गुड़ बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाता है, टाइम नहीं लगता। अब आती है यहाँ पर भुनने की बात कि गुड़ कितना भुनना है, कैसे पता चले कि सही भुना है नहीं भुना है। देखो, अब डिपेंड करता है कि आपको लाई के लड्डू कैसे पसंद है। अगर आपको कड़क कड़क लड्डू पसंद है थोड़े टाइट से, तो फिर आप गुड़ को ज़्यादा लंबा भुनना। अगर आपको थोड़े से नरम लड्डू पसंद है कि दांत से ऐसे आराम से टूट जाए, तो आप गुड़ को बहुत ज़्यादा मत भुनना, पर बहुत ज़्यादा मत भुनना कि ऐसा हो कि गुड़ जैसे ही ठंडा हो तो हल्का सा कड़क हो जाए बस। तो आप इसको अच्छे से स्टर करते रहना और धीरे धीरे करते ही आप ये देखो, हमारा गुड़ तो पूरा पिघल चुका है, पूरा सेट हो चुका है और अब भुनना भी शुरू हो गया है। हाँ, पर ध्यान यहाँ पर यही रखना है कि इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे मत पकाना। तो आप देखो, थोड़ी देर में गुड़ में हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है, यानी कि गुड़ काफ़ी भुनने भी लग गया है। विद टाइम कलर तो चेंज हो ही गया है, लेकिन काफ़ी झाग भी बनने लग गई। तो बस यही स्टेज है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको नहीं भुनने वाला मैं, यही स्टेज है। आप यहाँ पर चेक करो, थोड़ा सा पानी आप कटोरी में डालना और ऐसे इसको गिरा के देखना। अगर आपका गुड़ पानी में डालने के बाद सेट होता है और पानी में मिक्स नहीं होता, ये घुलता नहीं है, तो बस आपका गुड़ पूरा तैयार है और ज़्यादा भुनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इसी स्टेज तक आपको भुनना है, बस आप यहाँ पर लाई डालो। तो अब आपको गैस को करना है बंद और बंद करने के बाद ही आपको यहाँ पर लाई डालनी है। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि डालने के बाद ही आप इसको स्टर करते रहना। आप पूरी लाई एक साथ डाल देना, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी डाली उसको मिलाया, पूरी एक साथ डाल देना, तभी एक एक दाने में गुड़ पहुँचेगा। तो अब आपके हाथ यहाँ पर फटाफट चलने चाहिए, नहीं तो आप लड्डुओं को शेप नहीं दे पाओगे। तो अब इसको फटाफट से मिक्स करते रहो ताकि गुड़ चारों तरफ अच्छे से फैल जाए और हम इसको बिल्कुल फास्ट, एकदम फास्ट इसको शेप देना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे ही गुड़ ठंडा हो गया, अगर सेट हो गया, तो हम इनको लड्डू तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है जिसमें मैंने ठंडा पानी रखा है और उसके साइड में ही मैंने यहाँ पर अपनी कढ़ाई रख दी है। ध्यान रहे कि अभी गुड़ हल्का सा गर्म है, इसलिए हम यहाँ पर पानी का यूज़ कर रहे हैं। बस आपने थोड़ा सा यहाँ पर लाई और गुड़ का मिक्सचर लेना है और बस आपको लड्डू की शेप लेकर आनी है। साइज आप बिल्कुल अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो, बहुत बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो। मैंने इसको बिल्कुल मीडियम साइज बनाया है।
अब यहाँ पर हम ठंडा पानी इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा हाथ ना जले, क्योंकि ये जो लाई का जो मिक्सचर है ये बहुत गर्म होता है, इसको शेप देना बिल्कुल गर्म गर्म में आपको शेप देना है, तो आपका हाथ ना जले इसलिए पानी यूज होता है। देखो आप चाहो तो आप यहाँ पर घी भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है, और ठंडा पानी थोड़ा सा बढ़िया रहता है। अब शेप देने का सही तरीका तो यही है कि आपको हाथ में इसको ऐसे घुमाना बहुत ज़रूरी है हवा की हेल्प से, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जो शेप है थोड़ी सेट भी होनी शुरू हो जाती है और शेप भी एकदम परफेक्ट आती है। ये देखो आप, है ना, बहुत ही बढ़िया। बस एक करके आप ऐसे लड्डू बना लेना, इनको ज़्यादा प्रेस मत करना बनाते हुए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बस इसको शेप देनी है गोल बस, और बिल्कुल ऐसे ही एक करके आपके सारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। बस अब थोड़ी देर के लिए आप इनको ठंडा होने देना और फिर ही खाना है। अब बात यह कि आप लड्डू तो बहुत आराम से बना लोगे, लेकिन ये जो कढ़ाई है जिसमें गुड़ इतनी बुरी तरीके से चिपका हुआ है, इसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो कैसे करें, तो वो भी देख लो आप। कि आप इस कढ़ाई में पानी डालो, जो भी आपका पानी था जो हमने लड्डू बनाने के यूज़ किया वही पानी यूज़ कर लो, पानी वेस्ट थोड़ी करना है, और इसको गैस पे रख दो आप, और थोड़ी देर में जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा वैसे ही आप साइडों से स्क्रेप करके बहुत आराम से जो गुड़ चिपका हुआ है वो बहुत आराम से निकल जाएगा। आप चाहो तो इसमें और पानी डाल के बहुत जल्दी निकाल सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। और ये देखो विद इन फ्यू मिनट्स सारा गुड़ निकल जाता है, और ये बस पानी से मैंने रिंस कर दिया और जो पानी था वो मैंने फेंक दिया और उसको रिंस कर दिया, और देखो आपकी कढ़ाई भी पूरी साफ हो गई है ना, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये मुरमुरे लड्डू आप ज़रूर बना के देखना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोहड़ी के टाइम पे या संक्रांत के टाइम पे आपके घर में क्या बनता है। मुझे जान के बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे मैं और वीडियोज़ बना पाऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक जरूर करें।